नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मुमगाई। पहला, एक राज्य की संस्कृति को भ्रष्ट कर देना। दूसरा, उस प्रदेश में अपराध और दहव्यापार को बढ़ावा देना। और तीसरा, युवाओं को चूहे के जाल में धकेलकर उन्हें गुमराह करना। कैसीनो संस्कृति के ये तीन सामाजिक प्रभाव देखते हुए ही भारत में तीन राज्यों को छोड़कर बाकी हर जगह कैसीनो को प्रतिबंधित रखा गया है। ठीक, आप गौर कीजिए कि इन राज्यों में उत्तराखंड नहीं आता। उत्तराखंड में ऑफलाइन कैसीनो की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन बावजूद इसके देवभूमि की फिजा को अवैध कैसीनो और शांत कर रहे हैं। पर्यटक बनकर उत्तराखंड आए कुछ लोग अनैतिक गतिविधियों से कानून और संस्कृति पर आघात कर रहे हैं। खास बात यह है कि अवैध कैसीनो से जुड़े जो मामले सामने आए हैं, उनमें से एक में तो सत्ताधारी दल ही कांग्रेस के निशाने पर आ खड़ा हुआ। सत्ताधारी पार्टी पर ये आरोप लगा है कि देवभूमि की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे लोगों में भाजपा के लोग भी सम्मिलित है। सवाल है, क्यों? आखिर भाजपा पर यह आक्षेप किसके द्वारा और किस लिए मढ़े गए हैं? क्या इल्जामों में कोई सच्चाई है? जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले तो आपको आम भाषा में समझाते हैं कि कैसीनो होता क्या है। देखिए, कैसीनो को कुछ लोग जुआ घर से जोड़कर देखते हैं। एक कैसीनो को बस एक सार्वजनिक कमरे या इमारत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां जुआ का खेल खेला जाता हो। ये कमरा होटल हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई क्रूज भी हो सकता है। अब हालांकि विदेशों में तो कैसीनो कल्चर साधारण है, लेकिन भारत में कैसीनो को बढ़ावा नहीं दिया जाता। गोवा, दमन और सिक्किम को छोड़ दिया जाए जहां पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कैसीनो की अनुमति दी गई है, तो सरकार को वित्तीय लाभ होने के बावजूद बाकी राज्य इसकी अनुमति नहीं देते। ऐसे में कुछ लोग छुपकर कैसीनो का संचालन करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। उत्तराखंड में 10 दिनों के अंदर अंदर जुआ खिलाने वाले दो कैसीनो पकड़े गए हैं। पहला मामला योग नगरी ऋषिकेश का है। 22 सितंबर को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रिजॉर्ट में अवैध रूप से जुआ खिलाने वाला कैसीनो पकड़ा गया। मौके पर 32 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जुआ खिलाने वाली टीम की 4 क्रूपियर यानी कि गेम खिलवाने वाली महिलाएं भी पकड़ी गई है। इसके अलावा 5 महिला डांसर भी मौके पर मिली, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। पकड़े गए ज्यादातर लोग दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरिद्वार के थे। ठीक, एक जरूरी बात यह है कि कैसीनो उसी क्षेत्र चल रहा था जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का रिसोर्ट भी था। इसने उस क्षेत्र के अन्य रिसोर्टों को भी संदेह के दायरे में खड़ा कर दिया है। बताया कि यह मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि नैनीताल में एक इससे भी पेचीदा मामला सामने आ गया। बता दें कि वही मामला है जिसमें सत्ताधारी दल को कांग्रेस निशाने पर लिया है। दरअसल 26 सितंबर देर रात को पुलिस ने नैनीताल हल्द्वानी रोड में स्थित एक होटल में छापा मारा। छापे के दौरान होटल में अवैध रूप से चल रहे कैसीनो का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को मौके से लाखों की नकद तो बरामद हुई ही, साथ ही 33 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इनमें 12 बार वालाएं भी शामिल है जो जुआ खेल रहे लोगों को शराब परोस रही थी। ये सभी लोग दिल्ली, सहारनपुर, हरिद्वार, फरीदाबाद, हरियाणा और यूपी आदि क्षेत्रों के रहने वाले थे। पुलिस को देखकर सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस बीच मैनेजर फरार हो गया। अब समझे कि कांग्रेस के आक्षेप यहां बीच में कहां से आए। दरअसल फरार मैनेजर को घटना के 8 दिन बाद पकड़ा गया। ऊपर से कैसीनो मालिक के नाम का पुलिस ने खुलासा नहीं किया। मामला खुलने के बाद हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने सबसे पहले यही बयान दिया कि पुलिस ने काम तो किया लेकिन पूरा नहीं किया। जो कैसीनो का संचालन कर रहे थे, जो उससे जुड़े थे, वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग थे। उन्हें सियासी संरक्षण दिया जा रहा है, सफेदपोश उन्हें बचा रहे हैं। विधायक ने मांग की है कि पुलिस नामों का खुलासा कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जरा ये सुनिए। नहीं देखिए, पुलिस ने कार्य अच्छा करा लेकिन पूरा नहीं करा, अधूरा करा। जो संचालक है वहाँ के, वो भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके कौन कौन पार्टनर है और कैसे संचालन हो रहा था, संरक्षण के बिना नहीं हो रहा था। सफ़ेद पोशों का, भारतीय जनता रूलिंग पार्टी के सफ़ेद पोशों का इसमें संरक्षण था, इसमें हाथ था। तो हमारी पुलिस से मांग है सबके नाम खोल के सख्त से सख्त कार्रवाई। ये क्या नेपाल का कल्चर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं कि कैसीनो चलेगा हमारे क्षेत्र में? क्या एक कौन सा कल्चर लेके आ रहे हैं कि इतनी युवतियाँ, युवा ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में उस रिजॉर्ट में मिलते हैं और शराब पिलाई जा रही है खुलेआम, जुआ खिलाया जा रहा है खुलेआम, और क्या क्या कृत्य वहाँ पे हो रहे थे। तो कैसे, कैसा जंगल राज है। और ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म की बात करते हैं, हमें धर्म का पाठ पढ़ाते हैं और कुकर्म करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ये जो इनकी कथनी और करनी, इसमें बहुत फ़र्क है। और हाँ, तोते की जान बसी है शैतान में, शैतान की तोते में, ये भी पता करके हमें बता दीजिए। आपको बताया कि मामले को लेकर सुमित हरदेश भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और पूरी कार्रवाई न होने पर सड़क पर उतरने की धमकी भी उन्होंने दी है। इस आरोपों पर जरा भाजपा का पक्ष सुन लीजिए। देखिए, जहां तक सुमित हरदेश जी का सवाल है, मैं उनको ये कहना चाहूंगी, पहले तोल लिया करें फिर बोल लिया करें। क्या कह रहे हैं कि देवभूमि की फिजाओं को खराब करने के लिए, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, देवभूमि के लोगों को, इनकी पार्टी के लोग
थूकने की जब प्रतियोगिता चालू करी थी कि उस पे थूको उस पे थूको उत्तराखंडियों पर थूको, तब इनका ये देवभूमि की फिजा के ऊपर क्या सवाल उठाना रह गया था। और जो ये कसीनो वाला मामला है, कम से कम हमारी सत्ताधारी पार्टी इन सब चीज़ों को लेकर सजग है और इस तरीके की चीज़ें बाहर तो आ रही हैं, नहीं तो इनकी जब सरकार थी तो इस तरीके की चीज़ें कभी बाहर तक नहीं आई थी। हल्द्वानी में एक बच्ची का जब रेप केस हुआ था तो एक हफ्ते तक FIR ही दर्ज नहीं हुई थी। तो इन सब चीज़ों को देखें और देखने के बाद बोले सुमित हृदयेश जी कि वो क्या बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे रही है, ये कहते हुए कि ऐसे गोरखधंधों का भाजपा शासन में कम से कम खुलासा किया जा रहा है। लेकिन सियासत से परे एक गंभीर समस्या है, देवभूमि में कसीनो कल्चर आना, जुए के अड्डों का संचालन उचित नहीं। यही कारण है कि कुमाऊं और गढ़वाल में दो कसीनो खोलने के मामले सामने आने के बाद अब खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कहीं होटल और रिजॉर्ट को कैसीनो जुआ खेलने का अड्डा तो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि कैसीनो में खेलने वाले अधिकतर लोग हरियाणा दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों के लोग हैं। साथ ही इन शहरों के लोग उत्तराखंड में सैर सपाटे के लिए अधिकतर आते हैं। देखना यह है कि पड़ताल की जाएगी तो कितनों का पर्दाफाश किया जाएगा और इसका लिंक किस किस से जुड़ता है। होगा जो भी आपको लेकर आएंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। जी डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।